नारदा घोटाले में देखिए टाइम्स नाउ नव भारत को ईडी चार्जशीट की एक्सक्लूसिव कॉपी हाथ लगी है, 77 पेज की कॉपी है। बिल्कुल, और इस चार्जशीट में टीएमसी के कई वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं। चार्जशीट में टीएमसी विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर सोवन का नाम भी शामिल है। चार्जशीट में घोटाले की पूरी मॉडस ऑपरेंडे का जिक्र किया गया है, कैसे नेता और मैथ्यू सैमुअल के बीच पैसों का लेन देन किया गया था, इस चार्जशीट में पूरा जिक्र। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, नारदा घोटाले से जुड़ी हुई एक्सक्लूसिव कॉपी टाइम्स नाउ नव भारत के पास है ईडी की चार्जशीट की, 77 पेज की। इस चार्जशीट में टीएमसी के कई वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं। चार्जशीट में टीएमसी विधायक मदन मित्रा, पूर्व मेयर सोवन का नाम भी शामिल है, और चार्जशीट में घोटाले की पूरी मॉडस ऑपरेंडी का जिक्र किया गया है। कई नेताओं का नाम इस नारदा स्टिंग मामले में सामने आया था, यहां तक कि टिप्पणी देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी की गई थी कि ममता बनर्जी का आचरण सही नहीं है। तो बहुत से लोगों पर इस मामले में कई गंभीर आरोप हैं, और अहम तो तब ये हो जाता है, बड़ी बात तो तब हो जाती है जब इसमें नेताओं का नाम सामने आने लगे। टीएमसी के कई नेताओं के नाम का जिक्र है, बड़ा खुलासा इस चार्जशीट के माध्यम से। टीएमसी के नेताओं के भी नाम इसमें हैं, और कैसे ये पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया, कैसे पूरा लेन देन हुआ, एक एक बिंदु का जिक्र इस चार्जशीट में है। श्रेयसी हमें और जानकारी देंगी, 77 पन्नों की ये चार्जशीट है श्रेयसी, और कई बड़ी बातों का, कई बड़े नामों का जिक्र है इस चार्जशीट में, कई बड़े खुलासे हैं। एक्सक्लूसिव ये हम लोग दिखा रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जी देखिए, ये जो 77 पेज का एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नारदा मामला में दाखिल किया है, इसमें हर वो चीज की इंफॉर्मेशन है जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ईडी के पास आए। एक तरफ सीबीआई की भी जांच इसी मामले पे जारी है, उसी पे बेस करके ईडी ने केस चालू किया था अंडर ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, या पीएमएलए जिसे कहते हैं। इस पर्टिकुलर चार्जशीट में जो डिटेल्स है, अक्यूज्ड फिराद हकीम जो कि वेस्ट बंगाल की मिनिस्टर है, मिनिस्टर सुब्रत मुखर्जी, एमएलए मदन मित्र तृणमूल कांग्रेस का, एक्स मेयर शोभन चैटर्जी और एक सस्पेंडेड आईपीएस ऑफिसर एसएमएच मिर्जा की जिक्र किया गया है। अगर हम लोग फिराद हकीम जी के बात करते हैं, इसमें इस चार्जशीट में ईडी ने कहा है कि उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन किया, इसमें मिला कि 5 लाख इलीगल ग्रेटिफिकेशन मिला था मिनिस्टर फिराद हकीम को, और जो इंग्लिश में लिखा गया है, हकीम नोइंगली अक्वायर्ड पोजेस्ड एंड यूज्ड द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इन सच अ मैनर एज इट वाज अनटेंटेड मनी। ये जो मिनिस्टर्स थे, ये लोग ने ये पैसे की ऐसे इस्तेमाल किए कि ऐसे लगे कि ये अनटेंटेड मनी है, ये साफ पैसा है। लेकिन सुब्रत मुखर्जी के ये केस में ईडी ने कहा है, उन्होंने बोला है कि जो पैसे उन्होंने दिए थे ये सोशल पॉलिटिकल यूज के लिए उन्होंने खर्चा किया है, लेकिन जो बिल्स ईडी को और सीबीआई को मिले हैं वो फॉल्स बिल्स थे। और ईडी ने इतना भी कहा है कि सुब्रत मुखर्जी जो तृणमूल कांग्रेस की मिनिस्टर है, उन्होंने अपना पोजीशन ऑफ पावर मिसयूज करके ये बिल्स लाए थे इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड करने के लिए। एक तरफ और जो मदन मित्रा है, उनको भी 5 लाख की इलीगल ग्रेटिफिकेशन मिला है, और ईडी ने ये भी कहा है कि एक अटेम्प्ट किया गया था इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड करने के लिए। तो काफी सारे जो चार्जेस है ईडी ने अपने चार्जशीट में दाखिल किया है कोर्ट के आगे। अभी 16 नवंबर को इन्हें बुलाया गया है कोर्ट में हाजिरा देने के लिए। और दूसरी ओर सबको ही पता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बाकी सारे केसेस में भी तृणमूल कांग्रेस के मंत्री और सांसदों को क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, बट ये जो नारदा की 77 पेज की जो चार्जशीट है, इसमें ईडी ने अक्यूज्ड ठहराया है टीएमसी के मिनिस्टर्स फिराद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, सिटिंग तृणमूल एमएलए मदन मित्रा, एक्स मेयर तृणमूल के और जो बीजेपी ज्वाइन किए थे बट फिर रिजाइन कर दिए थे शोभन चैटर्जी, और एक आईपीएस मिर्जा, सस्पेंडेड आईपीएस ऑफिसर, सबकी बांकुरा की एसपी थे। और बिल्कुल यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि चार्जशीट में मदन मित्रा और भी कई लोगों के नाम निकल के सामने आ रहे हैं। चलिए अब इसको पूरे विस्तार से हम बता देते हैं कि आखिर ये पूरा मामला यहाँ पर है क्या, और आपको ये भी बता देते हैं कि इस पूरे मामले में
अब तक क्या अपडेट इसमें निकल के सामने आई है, देखिए कि कितने नाम है इसमें। मुकुल रॉय का नाम इसमें सामने आया है, मदन मित्रा का नाम इसमें सामने आया है, सुल्तान अहमद का नाम सामने है, इकबाल अहमद, फरहाद हकीम, सौगत रॉय, ककोली घोष, दस्तीदार, प्रसून बैनर्जी, शुभेंदु अधिकारी, सोवन चैटर्जी, सुब्रता मुखर्जी, एसएमएच मिर्जा और अपरूपा पोडार, ये नाम निकल के सामने आए हैं। जिन लोगों के नाम इस चार्जशीट में शामिल किए गए हैं, चार्जशीट में इन लोगों के नाम है, वो हम आपको यहां पर बता रहे हैं। और ये एक्सक्लूसिव कॉपी चार्जशीट की, 77 पन्नों की ये चार्जशीट की कॉपी टाइम्स नाउ ना भारत पर एक्सक्लूसिवली हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। और किन के नाम है ये हमने यहां पर आपको बता दिए हैं, मुकुल रॉय, मदन मित्रा, सुल्तान अहमद, इकबाल अहमद, फिरहाद हकीम, सौगत रॉय, प्रसून बैनर्जी, शुभेंदु अधिकारी, सोवन चटर्जी और सुब्रता मुखर्जी, इन सभी के नाम यहां पर निकल के सामने आ रहे हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी यहां पर जुड़ी हुई है श्रेयसी। अब इस मामले के बाद और मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जिनके नाम शामिल हैं जो हमने बताया अभी अपने दर्शकों को। ईडी ने जिन जिन का नाम लिया है ये ऑलरेडी एक बार सीबीआई के द्वारा अरेस्ट हो चुके हैं नारदा मामले में, अभी ये लोग बेल में बाहर है। फिराद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रो, शोभन चैटर्जी और एसएमएस मिर्जा, पांचों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था नारदा मामले में कुछ ही महीने पहले, अभी ये लोग फिलहाल बेल में बाहर है। लेकिन ईडी की अभी जो चार्जशीट लगी है इसके ऊपर इनको कोर्ट के आगे आना पड़ेगा, 16 नवंबर को इनको हाजिरा देना पड़ेगा, समन्स जो भेजे जाएंगे, क्योंकि ये लोग सिटिंग मिनिस्टर्स और एमएलए हैं, ये स्पीकर के थ्रू, वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर के थ्रू इनके पास लेटर्स ऑफ समन जाएंगे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के। पूरी मामला में ईडी बहुत जोर शोर से अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और आगे जैसे और डिटेल्स या कंप्लेन फाइल होते, क्योंकि ये बिल्कुल श्रेयसी आप नजर रखिए अपडेट के लिए, वापस हम लौटेंगे। जो चार्जशीट का एक पन्ना आपको दिखाया, हिमांशु ने इस तमाम नेताओं के नाम गिनाए, उसके सामने साफ लिखा हुआ है कि कितना अमाउंट किस नेता ने पे किया था।